बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। यार, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। ये जिन, चुड़ैल, भूत वगैरह, ये सब फिल्मों ड्रामों तक ठीक लगता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। अदन, जो भूत प्रीत की कहानियाँ सुन सुन के आजिज आ चुका था, चिड़के बोला, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। और तुम्हें पता है, जिन्नों और शैतान के वजूद से इनकार करना इस्लाम और ईमान के मुनाफी है, क्योंकि बाज़ लोग ये अकीदा रखते हैं कि जिन्नात कुछ नहीं बल्कि इंसानी जहन का गुमान है और कहते हैं कि जिन्नात का कोई हारजी वजूद नहीं। ऐसे उनकी तमाम बातें अल्लाह के कलाम यानी कुरान पाक के अकायद के बरक्स हैं। ये सब कुफर की बातें हैं। जिन्नात का होना कुरान पाक से साबित है। इससे जो कि बड़ी डरपोक किस्म की लड़की थी, अदन के इनकार करने से उसे पूरा लेक्चर दे डाला। फैसल ने उसे घूर के देखा, तुम तो चुप करके रहो, अभी मैं क्यों ना इज्जत देखो तुम्हारे पीछे कौन बैठा है। चीहे मारती हुई भागो की, ये लेक्चर वेक्चर सब कुछ भूल जाएगा। जी नहीं, मैं इतना नहीं डरती जितना तुम मुझे समझ रहे हो, वो पेप्सी का घूंट लेते हुए बोली। मानती तो होना कि डरपोक हो, वो उसे दोबारा छेड़ते हुए बोला, जी नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। वो कमर पे हाथ रख के बकायदा लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा अच्छा यार, अब लड़ने मरने मत बैठ जाना। तुम्हें पता है अदन, ये अपनी यूनिवर्सिटी के पीछे जो बाग है, वहाँ एंड में जो कमरा बना है, कहती है वहाँ कोई भी नहीं जाता, जो भी जाता है दोबारा वापस नहीं आता। सुना है उस कमरे में पहले कोई माली बाबा रहता था, वो बाग की देखभाल किया करता, मगर उसके बाद एक दिन उस कमरे में मुर्दा पाया गया, उसके बाद अब वहाँ कोई नहीं जाता। इबाद जो कितनी देर से बातें सुन रहा था अचानक बोला और अदन का कहकहा बेसाख्ता था, ये बकवास तुम्हें किसने बताया। वो इबाद का मजाक बनाते हुए बोला, यार कल जवाद लोगों से सुना था मैंने भी, शायद वो सच कह रहे हैं। फैसल ने अबाद की साइड ली। अच्छा ऐसी बात है तो हम सब आज रात उस रूम में ठहरेंगे, अदन तेजी से बोला, तू पागल है। इबाद बोला, इसमें पागलपन वाली क्या बात है, नहीं हम में से कोई नहीं जाएगा, तुझे जाना है तो तू अकेला जा। इबाद गुस्से से बोला, ओके मैं अकेला चला जाऊंगा। वो बोला, नहीं अदन तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे। सदा की नरम दिल निशा जल्दी से बोली, जाना तो पड़ेगा यार, ताकि तुम लोगों को यकीन आए कि ये भूत चुड़ैले सब बकवास है। वो कुछ सोच के मुस्कुराया, ये तू अच्छा नहीं कर रहा अदन, पछताएगा तू, देख लेना। फैसल जज्बाती होते हुए बोला, यार कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, तू बस रात को तुम लोग मुझे छोड़ के जाना और सुबह 10 बजे तुम लोग आके देख लेना। मैं कल तुम लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि ये भूत चुड़ैले सब फरार होता है। वो उन्हें दिलासा देते हुए बोला। सबने मिलके उसे समझाया मगर वो न माना और आखिर उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। रात ठीक 8 बजे वो लोग उसे बाग वाले उस रूम में छोड़ आए। ये अलग बात, वो सब दोस्त पूरी रात उसके रूम के बाहर डेरा डाल के बैठ गए कि उनके दोस्त को किसी भी वक्त उनकी जरूरत पड़ सकती है। सारी रात वो लोग सर्दी में ठरठराते रहे थे, मगर अपने दोस्त को अकेला छोड़ना गवारा ना किया। इज्जत और निशा को टेंशन हो रही थी कि अंदर इतनी खामोशी क्यों है, अदन को कुछ हुआ तो नहीं। सबका सब्र यहीं तक था। फजर की अजान होते ही वो सब कमरे की तरफ लिपके, हालांकि अंदर ने 10 बजे आने को कहा था। कमरे में दाखिल होते ही सबकी नजरें कोने में पड़ी चेयर तक गई, जिसपे कोई बैठा हुआ था जो मुसलसल हिल रहा था। अदन इबाद के मुंह से बेसाहता निकला, तू ठीक है यार, ये फैसल था। मुसलसल हिलती कुर्सी रुकी, घूमी, चेयर पे अदन बैठा था मगर आंखें बंद थी। अदन थैंक गॉड तू ठीक है, डरा दिया था तूने हम सबको। वो सब शुक्र का कलमा पढ़ते हुए आगे बढ़े। तभी चेयर पे बैठे अदन की आंखें खुली, बढ़ते कदम साकित हुए, लड़कियां चीखती हुई लड़कों के पीछे जा चुपी। वो दोनों फटी आंखों से अदन को तक रहे थे। आगे तुम लोग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फुल सफेद आंखें, गहरे स्याह हल्के, पेशानी से निकलती पतली सी खून की हल्की सी धार, वो अदन ही था। मगर आवाज उसकी ना थी, भारी मगर कपकपाती हुई आवाज। मैं इन चारों को देख के मुस्कुराया और लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। कुक कुक कौन हो तुम, अदन कहाँ है, हमारा दोस्त कहाँ है।
फैसल ने डरते डरते कहा। उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख के लड़कियों की चीहें मजीद बुलंद हो गई थी। फैसल की बात से वो जोर जोर से कह कहे लगाने लगा, अदन के पास जाना है तुझे, आओ मैं तेरे दोस्त से मिलवाऊं, आओ आओ। वो हामता कामता हुआ फैसल के करीब जाने लगा। नहीं फैसल, इसने अदन को मार डाला, तुम्हें भी मार डालेगा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। फैसल प्लीज चलो। इज्जत बेतहाशा रोते हुए फैसल को बाहर की तरफ घसीटते हुए कहने लगी। इससे पहले वो सब भागते, अदन का छत फाड़ कह कहा उन सबको रोकने पे मजबूर कर गया। वो सब हैरानगी से अदन को देख रहे थे, जो हंसने के बाद अब झुक के आंखों से लेंस निकाल रहा था। फिर माथे पे लगे कलर को जेब से रुमाल निकाल के साफ करने के साथ साथ उनका रिकार्ड लगा रहा था, जो पसीने से शराबूर दिल ही दिल में उसकी एक्टिंग को दाद दे रहे थे। वो सभी बात के फ्लैट में जमा थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए वो सुबह से बेहाल हो रहे थे। हंस हंस के पेट में दर्द होने लगा था। मैंने तुम लोगों को कहा था ना, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। अदन कारपेट पे ढेर उनसे कह रहा था। पास ही फैसल और इबाद लेटे थे, निशा और इज्जत सोफे पे बैठी हुई थी। तुम मानो ना मानो भूत तो होते हैं, मगर ये बाग वाले कमरे वाली लगता है किसी ने हवा छोड़ी थी, फैसल बोला। यार तुम लोग मान क्यों ही नहीं लेते, ऐसा कुछ भी नहीं, अदन चिड़के बोला। अब ऐसे तो ना कहो अदन, हमारे गांव में एक पहाड़ी है, वहाँ मशहूर है कि जुमेरात वाले दिन वहाँ एक जोड़ा आके मिलता है, लड़का और लड़की। असर के बाद और कोई भी बंदा उन दोनों को देख ले तो वो जोड़ा उसे मार देता है, इसलिए हमारे गाँव में लोग असर के बाद उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाते, निशा चिप्स खाते खाते बोली। तीनों लड़के पागलों की तरह उसे देखने लगे। सबसे पहले अदन को होश आया। ये फूट किस सन की है जनाब, और इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ये फूट नहीं हकीकत है, मैं वहाँ रही हूँ, मुझे पता है, वो गुस्से से बोली। फिर वो भूत नहीं होंगे, कोई इंसान है जो वहाँ छुप छुप के मिलते हैं और अफवाह फैला रखी है ताकि कोई उस जगह ना जाए, और वो भी दोनों आराम सुकून से मुलाकात करते रहें। इबार टांगे फैलाते हुए बोला था, हाँ हाँ ये भी हो सकता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, ये फैसल था। हो सकता निशा सच कहती हो, इज्जत बोली थी। चलो फिर डन करो, छुट्टियां हो रही हैं और ये छुट्टियां हम निशा के गांव गुजारने वाले हैं, और उन दोनों जो वहां मिलते हैं उनका बांडा पूरे गांव के सामने फोड़ना है। अदन फिर जोश में आया था। हाँ यार मजा भी आएगा, फैसल और इबाद भी रजामंद थे। मैं और इज्जत नहीं जा रही, समझे तुम लोग, निशा घर आए, क्यों तुम जानती हो, हम कहीं भी जाएं सब साथ में जाते हैं, तुम दोनों नहीं जाओगे तो हम उठा के ले जाएंगे। फैसल ने आंखें दिखाई, तुम लोग रिस्क ले रहे हो यार, निशा बेबस हुई। तुम लोग नहीं, हम सब रिस्क ले रहे हैं और हम में तुम भी शामिल हो, इबाद बोला तो वो मुंह बना के रह गए। वो सब अच्छे हासे अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे, मिडिल से सब साथ साथ थे, सिर्फ निशा थी जिसने उन्हें मैट्रिक से ज्वाइन किया था। वो गांव की एक रिहायशी थी, गांव में स्कूल मैट्रिक तक था, इसलिए उसकी वालदैन सिर्फ निशा की आला तालीम के लिए गांव से सब छोड़ छाड़ के शहर आ बसे थे। इबाद निशा का दूर पार का कजन था, दोस्ती के साथ साथ बात पसंदीदगी तक चली गई। दोनों के वालदैन ने उन्हें निकाह जैसे पकीजा बंधन में बांध दिया था। फैसल असद में इंटरेस्टेड था, इज्जत अदन पे मरती थी और अदन किसमें इंटरेस्ट लेता था ये कोई न जानता था। फैसल और इबाद के बहुत ये बार करीने पे उसने डाल दिया और हमेशा कहता कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करूंगा वो तुम सबसे अलग लड़की होगी, और इस बात से सबसे ज्यादा इज्जत मायूस हुई थी। दो चार दिन रोने धोने के बाद उसके फैसल की मोहब्बत के आगे सर झुकाया। दोनों की बाकायदा तौर पे मंगनी हो चुकी थी, जब से उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तब से इस बात से बहुत सी उड़ती पड़ती खबरें मिल रही थी कि ये यूनिवर्सिटी असीब ज्यादा है। पहले तो वो ये बात हंसी में उड़ा देते, मगर अब कुछ कुछ डर उनके दिल में बैठ गया था, मगर अदन ने वो डर भी उनके दिल से निकाल बाहर किया। और अब मसला निशा के गांव का आया। सब दोस्तों ने प्लान किया कि मंगल को वो लोग निकलेंगे और बुध को वो जगह देखने जाएंगे और जुमेरात को अपना मिशन स्टार्ट करेंगे। मंगल को 10 बजे नाश्ते के बाद निकले, 8 घंटे का सफर था, खाते पीते हंसी मजाक करते वक्त का कब गुजरा पता भी ना चला। शाम 7 बजे वो थके हारे पहुंचे निशा के पुराने घर ठहरे, जिसे जहां जगह मिली वहीं देर हो गया। अगले दिन सब तैयार होके उस पहाड़ी पे पहुंचे, वो जगह घर से 3-4 घंटे की मुसाफत पे थी। आगे पीछे घूम फिर के कुछ प्लान वगैरह किया और फिर घर वापिस आ गए। जुमेरात वाले दिन सब जोहर की नमाज के बाद घर से रवाना हुए, असर से हाफ घंटा पहले वहां पहुंचे और उस जगह का मुआयना करने लगे, और फिर वो सब एक पत्थर के पीछे जाके छुपकर बैठ गए। असर की अजाने शुरू हुई, अब उन्हें उस जोड़े का इंतजार था जिसने सबको डरा रखा था, वो सब एक्साइटेड थे। हाफ घंटा गुजरा, घंटा भी गुजरा, वो लोग बैठ बैठ के थक चुके। जब डेढ़ घंटा गुजरा तो फैसल बोला,
यार मुझे लगता है वो लोग आने वाले नहीं, मगरिब यही हो जाएगी। हाँ यार मुझे भी लगता है हमें वापस जाना चाहिए। इज्जत ने फैसल की साइड ली। क्यों ना 10-15 मिनट और वेट कर लें। इबाद बोला, नहीं यार हमें चलना चाहिए, मुझे तो अभी से डर लगने लगा। वैसे भी गांव में अंधेरा जल्दी फैल जाता है। निशा खौफ से कांपते हुए बोली, 3 कड़ियल नौजवानों के होते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत, हम है ना। इबाद उसका हाथ अपने हाथों में लेके दबाते हुए बोला, चुप यार लगता है कोई आ रहा है। अदन उन्हें चुप करवाते हुए बोला और गले में लटकता हुआ कैमरा उतार के हाथ में थाम लिया और ऑन किया। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की, सामने से एक लड़की तेज तेज कदम उठाती नजदीक आ रही थी, खौफ से आगे पीछे देखते हुए जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख न ले। जिस पत्थर के पीछे वो थे उससे थोड़ा फासला रख के वो बैठ गई। सामने वाली झाड़ी से एक खुशगकल नौजवान निकला। लड़की के चेहरे पे उसे देख के रौनक आई, डर खौफ कहीं दूर जा सोया। अरे ये तो सच में कोई लड़की लड़का है, कितने चीप है, छुप छुप के मिलते हैं, लोगों को डरा रखा है बदतमीजों ने। ये इबाद था। अदन ने होंठों पे उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा किया और सामने देख के वीडियो बनाने लगा। वो लड़की तेजी से लड़के की तरफ बढ़ी। तुम आगे सांवल, मैं तो डर गई थी कि शायद आज ना आओ। कैसे ना आता जान, तुमसे वादा कर रखा है हर जुमेरात को हम यहाँ मिलेंगे। वो उसे चेहरे से थामे कह रहा था, फिर उसे देख के सामने पड़े एक पत्थर पे बैठा। काफी देर दोनों में खामोशी रही, फिर उस वीराने में उस लड़की की आवाज गूंजी, फिर तुमने क्या सोचा सांवल, मैं आज भी बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। तुम्हें पता है ना, बाबा और भाइयों ने तुम्हारी वजह से मुझ पे आजकल कड़ी नजर रखी हुई है। मैं क्या करूं मेरी जान, मैंने घर बात की है वो मान नहीं रहे, तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं। हम एक काम करते हैं, हम इस गांव से भाग चलते हैं। वो लड़का बोला, नहीं सावल, तुम मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों को नहीं जानते, वो हमें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, वो हमें मार डालेंगे। वो लड़की लड़के के हाथ थामते रोते हुए बोली। तभी निशा के पांव किसी जहरीले कीड़े ने काटा और उसकी चीख निकल गई। सब दोस्तों के साथ साथ वो जोड़ा भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो सब दोस्त उस जोड़े की नजर में आए, वो सब घबराए हुए थे, उठ खड़े हुए। इससे पहले कि अदन उस जोड़े के झूठ का बांडा फोड़ता, एक लम्हे के लिए सब साकित रह गए। वो लड़का सावल उन सब की नजरों से गायब हुआ और वो खूबसूरत लड़की जो रूना भूलकर उन्हें सुख चेहरा लिए गुस्से से घूर रही थी, एकदम से उसके खूबसूरत चेहरे की जगह एक बदसूरत शक्ल ने ले ली। ओ गॉड, भागो यार, ये तो सच मुझ में चुड़ैल है। सबसे पहले फैसल को होश आया, वो सब उल्टे पांव भागे। जब एक झाड़ी में इज्जत का दुपट्टा उलझा, फैसल वो चीही थी। भागते हुए एक पल को सब थमे, गराई हुई गले से अजीब गरीब सी आवाजें निकालती हुई वो जिनजादी पांव घसीटती इज्जत के करीब जा रही थी और चीखती चलाती दुपट्टा चुराती इज्जत मुसलसल फैसल को मदद के लिए पुकार रही थी। अदन ने एक नजर फैसल को देखा जो मुसलसल खौफ से कांपता हुआ नफी में गर्दन हिलाता पीछे ही पीछे जा रहा था। अदन एक लम्हे को सोचा, दूसरे ही पल वो इज्जत की तरफ भागा, मगर इससे पहले वो जिनजादी उठती हुई आई, चीखती हुई इज्जत के गले को दोनों हाथों से जकड़ा। वो तीनों चीहे थे भागते अदन के पांव जैसे जमीन ने झकड़ लिए। दूसरे ही पल वो उन दोनों के करीब पहुंचा और पूरा जोर लगा के दोनों हाथों से बदसूरत जिनजादी को धक्का दिया। धक्के से तो कहीं असर ना हुआ, मगर अदन के हाथ लगाते ही उसे करंट लगा। कितने फुट दूर जा गिरी। अदन ने रोती हुई बिलकती इज्जत को साथ लगाया और वो उसका सहारा पाते ही खौफ से उसके सीने जा लगी। झटका खा के जिनजादी को अदन ने खड़ा होते देखा और इज्जत का हाथ थाम के वहाँ से भाग लिया। उसे देखते ही देखते सब दोस्त पीछे भागे। अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और भाग भाग के उन्हें कोई ठिकाना मिलके ना दे रहा था। तुम लोग आज इस लड़के की वजह से बच गए, मगर अब तुम पांचों को मेरे कहर से कोई बचा नहीं सकेगा। मैं तुम सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। अंधेरे में डरावनी आवाज गूंजी और वो सब जो एक पल को सांस लेने को थमे थे डर गए। अंधाधुंध भागना शुरू किया। थोड़ी दूर आबादी नजर आई, वहीं जाके दोबारा सांस लिया। तभी फिजा में अजान की आवाज गूंजी। सबकी नजरें बेसाहता अजान की जानिब उठी, कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ गए। वो पांचों मस्जिद के ठंडे ठार फर्श पे चौकड़ी मार के बैठ गए। घर जाने का उस वक्त वो पांचों सोच भी नहीं सकते थे। तुम लोगों को अंदर बाबा साहिब बुला रहे हैं। वो पांचों गुमसुम से मस्जिद के ठंडे ठार फर्श पे बैठे अपनी अपनी सोचों में गुम थे। जब मुलाजिम नामा आदमी उनके पास आके बोला तो सब चौंक के उसे देखने लगे। कौन बाबा साईं? निशा परेशानी से गोया हुई। हमारे मस्जिद के मौजन है जनाब, मुलाजिम सर झुका के बोला। आप सबको याद फरमाया है उन्होंने, वो कह के वापस कमरे में चला गया। वो सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे, चलो चलते हैं यार, शायद ये हस्ती हमारी कुछ मदद करे। इबाद कपड़े झाड़ते हुए उठा और कहा। बाकी सब भी उसकी ताइद में सर हिलाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। पर्दा हटा के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही चटाई पे कोई बुजुर्ग नमा
बुजुर्ग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। वो पांचों चुप करके एक साइड पे बैठ गए। बाबा साहब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो बेहद खामोशी से उन्हें देखने लगे। तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने कितना बड़ा खतरा मोल लिया। वो काफी देर उन्हें घूरने के बाद बोले। वो सब हैरत से उनका मुंह देखने लगे कि ये सब इन्हें कैसे पता चला। तुम सबकी जाने खतरे में हैं। तुम लोगों को मशवरा किसने दिया था ऐसी मखलूक से पंगा लेने को। वो सख्त गुस्से में थे। प्लीज बाबा साहब हमें बचा लें, आइंदा ऐसा कुछ ना होगा, हम वादा करते हैं, प्लीज हमारी मदद करें। निशा और इज्जत बाकायदा रोने लगी, जबकि वो तीनों शर्मिंदगी से सर झुका के रह गए। बाबा साईं लड़कियों को रोता हुआ देख के खामोश हुए। कितनी देर वो सर झुकाए बैठे रहे, फिर अतन को देख के इशारे से पास बुलाया। वो घबराया सा उठा और उनके करीब नीचे जा बैठा। तुम जानते हो आज तुम इस तावीज की वजह से बच गए, वरना तुम्हें आज उस जिनजादी से कोई भी बचा नहीं सकता था। वो अदन से गोया हुए। किस तावीज की वजह से, वो हैरान होके पूछने लगा। फिर उसे अपने बाजू पे बंधे इस तावीज का ख्याल आया जो बचपन में दादी माँ ने उसे बांधा था। तब वो बहुत बीमार था, दादी माँ ने न जाने कहाँ से वो तावीज लाके उसे बांधा और आज इस तावीज ने उसकी जान बचाई थी। अब क्या होगा बाबा साईं, क्या हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएं? वो परेशान था। नहीं, वो जिनजादी अब तुम लोगों पे नजर रखे हुए है, वो तुम लोगों को गांव से निकलने नहीं देगी। अगर चले भी गए तो फिर भी वो तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जो भी उन्हें देख लेता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ऐसा क्यों करती है, वो कौन है? निशा बोली। बेटा पहले वो हम लोगों की तरह इंसान थी, इसी गांव की रहायशी थी, हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती थी, मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो गई थी। हर जुमेरात को वो दोनों उसी पहाड़ी पे मिलते। एक दिन लड़की के भाइयों ने उसे देखा, लड़की को बहुत मारा, लड़के को वार्न किया मगर वो दोनों पास न आए। भाइयों ने लड़की को एक कमरे में कैद किया। एक रात वो वहाँ से आजाद हुई और लड़की के पास चली गई। दोनों ने गांव से भागने का प्लान बना लिया। इधर उसके भाइयों को पता चला, उन्होंने दोनों को पकड़ा, लड़के को उसी जगह गोलियां मार के पहाड़ से नीचे गिराया। उन लड़की को लेकर जाने लगे तो लड़की ने पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दी। मरते वक्त उस लड़की ने आत्मा तय कर ली कि किसी भी प्यार करने वाले जोड़े का मिलन होने न देगी। मरने के बाद उस जिनजादी ने पहले अपने भाइयों को मारा, फिर बाप और बाकी खानदान को खत्म किया। दोनों की रूहें अभी तक बेचैन हैं। हर जुमेरात को उसी पहाड़ी पे मिलती हैं और जो उन्हें देख लेता है वो उन्हें अपना दुश्मन समझ लेती हैं और उन्हें मार देती हैं। बाबा साहिब बता के खामोश हो गए। उन दोनों रूहों को शांति कैसे मिलेगी? इबाद बोला, बेटा इसका एक ही हल है, जिस पहाड़ से कूद के उस लड़की ने जान दी उसकी दूसरी जानिब उन दोनों की लाशें पड़ी हैं। अगर कोई ढूंढ के उन्हें जला डाले तो उन रूहों को शांति मिल सकती है। ठीक है, हम सुबह होते ही उन लाशों को ढूंढ के जला देंगे, फैसल जोर से बोला। बेटा ये इतना आसान काम नहीं, इस मस्जिद से बाहर निकलते ही वो तुम सबको मार डालेगी, बाबा साहिब बोले तो वो सब परेशान हो गए। बाबा जी ने अपने मुलाजिम को आवाज दी और वो बाबा जी का संदूक ले आया। बाबा जी ने उसे खोल के उसके अंदर से कुछ निकाला और उन्हें देने लगे, ये तुम सब अपने अपने गले में डाल लो, चाहे जो मर्जी हो जाए तुम इस तावीज को अपने गले से बिल्कुल भी नहीं उतारोगे। जब तक पहने रखोगे उस जिनजादी से बचे रहोगे, जिस दिन उतार दिया उस दिन मारे जाओगे, बाबा साहिब ने कहा। और वो सब चुपचाप तावीज लेके पहनने लगे। तुम सब में से कोई एक है जिसके हाथों उस शैतानों की मौत लिखी है, बुध वाले दिन तुम लोग मुझसे आके मिलो, मैं तुम्हें उन लाशों का ठिकाना बताऊंगा और जुमेरात को तुम लोग उनका हाथमा करने जाओगे। बाबा जी ने उन्हें समझाया तो वो असबात में सर हिलाने लगे। अब तुम लोग जाओ, सुबह अपने घर जाना और याद रखना इस गांव से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल मत करना, बाबा जी बोले तो वो चुपचाप वहां से उठ गए। अगले दिन वो सब अपने घर चले गए। ये उससे अगले दिन की बात है। जब सुबह वो सब चौकिंग के लिए तैयार हुए, अदन को जगा जगा के वो टस से मसना हुआ। वो सब उसे सोता हुआ छोड़ के चले गए। ये 3 घंटे बाद की बात है, 8 बज रहे थे जब घर का दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। बमुश्किल अदन ने आंखें खोल के आगे पीछे देखा तो उसे कोई नजर ना आया। उसे याद आया सब जॉगिंग करने के लिए गए हैं। आंखें मलते हुए वो उठ बैठा, जमाई लेने के लिए मुंह खोला ही था जब दरवाजा फिर बजा। वो झुंझलाता हुआ उठा, दरवाजा खोला तो सामने बाबा साईं खड़े थे। वो पहले परेशान हुआ, थोड़ा हैरान था। वो जानता था कि बाबा साईं कभी अपने हुजरे से निकले ना थे, फिर उसके घर कैसे आए? अरे बाबा जी कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, खुद क्यों आए आप? वो खुशदिली से बोला। बस बेटा काम मुझे था तुमसे, फिर मुझे ही आना पड़ा। वो मुस्कुराए, आइए बाबा जी अंदर आइए।
वो कहते हुए रास्ते से हटा और बाबा साहब अंदर चले गए। अतन ने आगे बढ़ के उन्हें कुर्सी पेश की तो बाबा साहेब उस पे बैठ गए। बाबा जी क्या लेंगे आप, वो बड़ी आपसी से बोला। शुक्रिया बेटा, बस मुझे तुमसे छोटा काम था। बाबा जी कहे ना, बल्कि आप हुक्म करें। बेटा मैंने जो तुम्हें तावीज दिया था वो तुम अपने पास ही रखो, मगर जो तावीज तुमने बाजू पे बांध रखा है वो मुझे दे दो। दरअसल मेरे पास एक जरूरतमंद आया है, उसे देना है। वो बोले तो अदन ने असबात में सर हिलाया और बाजू से तावीज उतार के बाबा जी के सामने टेबल पे रख दिया। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और टेबल पे पड़े तावीज को देख के बोले। अदन भी झुक के बाबा जी के घुटने छूने लगा। थैंक यू बाबा जी, आपने मुझे इस काबिल समझा, वो बोलते हुए उठा और दूसरे ही लम्हे सुन रह गया। बाबा जी की जगह अब वहाँ वो जिनजादी खड़ी थी। अदन के देखने पे वो कहकहा लगा के हंसी और अदन को उठा के सामने दीवार पे दे मारा। एक पल तो अदन को लगा था जैसे जिस्म की तमाम हड्डियां तरतराते हुए टूटी हों। वो उठने की कोशिश करने लगा जब जिनजादी ने वहीं खड़े खड़े हाथ लंबा करके अदन को गर्दन से पकड़ के अपने सामने किया। दोनों हाथों से गला दबाते हुए जोर जोर से कहकहा लगाने लगी। ठीक उसी वक्त हंसते मुस्कुराते हुए सबदोस वापस आए, मगर आगे का मंजर देख के दंग रह गए। फैसल के जहन में आइडिया आया, अपने गले से तावीज उतार के सामने कहकहे लगाती चुड़ैल की तरफ उछाला, अदन को छोड़ के कई फुट दूर जा गिरी। अदन खास्ता हुआ सीधा हुआ और सामने गिरा तावीज उठा लिया। मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम में से कोई भी नहीं छोड़ेगा, सबको खत्म कर दूंगी, वो जिनजादी कहते हुए उनकी नजरों के सामने से गायब हो गई। वो सब अदन के करीब चले गए। तू पागल तो नहीं हो गया अदन, तेरा बाबा जी वाला तावीज कहाँ था, इबाद गुस्से से बोला। वो तो रात सोते वक्त उतार दिया था, अभी सो रहा था दरवाजा खटखटाने की आवाज पे उठा तो अदन अब खुद पे बीती कहानी सुना रहा था। वो सब सुनने के बाद सर पकड़ के बैठ गए। वो सब उस वक्त को पछता रहे थे जब उन्होंने यहाँ आने को सोचा था। ये उसे अगले दिन की बात है, रात 12 बजे जब सभी सो रहे थे, फैसल इबाद और अदन तीनों एक रूम में, जबकि इज्जत और निशात दूसरे रूम में सो रही थी। प्यास से इबाद की आंख खुली, आसपास देखा तो अदन और फैसल बेसुध पड़े थे। बगैर आवाज पैदा किए वो बिस्तर से उतरा, किचन की तरफ आया, पानी पी के वापस कमरे की तरफ बढ़ा, मगर सहन में सीढ़ियों में बैठी निशा को देख के ठटक के रुक गया। निशा तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात गए, वो हैरान होके उसके करीब चला गया और निशा से पूछा। निशा उसे देख के घबरा सी गई। इबाद वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ चली आई। निशा पागल, नींद नहीं आ रही थी तो मुझे जगा लेती या इज्जत को साथ लेके आती, वो बोला। दरअसल इबाद तुम भी सो रहे थे इसलिए आज इज्जत भी जल्दी सो गई, मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। तो पागल मुझे जगा लेती ना, रियली मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, वो मुस्कुराने लगा और टांगे फैलाकर साथ उसके बैठ गया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो, कोई जवाब न पाके वो दोबारा बोला। हम घर कब जाएंगे, बात वो से देखते हुए बोली। इंशाल्लाह जुमे को हम अपने अपने घरों में इस वक्त सो रहे होंगे, मुझे भी मम्मा बहुत याद आती हैं, तुम्हें पता है ना, इस दफा आते हुए मॉम ने कहा था हमारे वापस आते ही वो हमारी शादी की डेट फाइनल कर देंगे। रियली आई एम सो हैप्पी, वो चहक के बोला तो निशा मुस्कुरा दी। चलो अब अंदर चले, वो बोली और उठ के खड़ी हो गई। अंदर जाने को मुड़ी तभी इबाद ने उसका हाथ पकड़ा। निशा सुनो तो, निशा शर्मा गई, कंधों से पकड़ के जब चेहरा सामने किया तो दंग रह गया। वो निशा न थी, निशा की शक्ल में वो जिनजादी आ गई थी जो गुस्से से इबाद को गू रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, सावल की जगह लेने की कोशिश की कमीने, वो इबाद का सर पकड़ के दीवार से मार रही थी। इबाद की चीहें पूरे घर में गूंज रही थी और हैरत अंगेज तौर पे घर में मौजूद उसके किसी भी दोस्त के कानों में उसकी आवाज ना पहुंची। सुबह उसे रूम में ना पाके वो जब बाहर सहन में आए तो सहन में सामने वो ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था। सीधा करने पे चेहरे पे जगह जगह गड़े और आंखें और दिल अपनी जगह से गायब थे। दो दिन से निशा किसी से भी संभल नहीं पा रही थी, संभल तो वो तीनों से भी नहीं रहे थे, ये बड़ा हादसा कभी भी उन्होंने सोचा ना था। हंसता बसता इबाद एक दिन यूं छोड़ जाएगा, घर वालों को भी वो बता नहीं सके, अगर बता देते तो वो सब यहीं चले आते और उन सब की जान भी खतरे में पड़ जाती। इसलिए बाबा जी के मशरे पे नमाजी जनाजा पढ़ के उसे वक्ती तौर पे दफना दिया गया। और अब निशा की एक ही रट थी, कहीं से भी इबाद मुझे ला के दो और आज तो खत ही कर दी, अभी घर जाना है, इसी वक्त जाना है। दुखी तो वो सभी थे मगर बाबा जी ने मना कर रखा था तो क्या करते। अदन से जब निशा की हालत देखी ना गई तो सब छोड़ छाड़ के वो भी जाने को उठ खड़ा हुआ। पीछे डरे सहमे फैसल और इज्जत भी सामान लिए चले आए। सामान जीप में रखा, सफर स्टार्ट हुआ। जब वो गांव से निकले तो दिन के 3:30 बज चुके थे। अब जब वो गांव क्रॉस करने वाले थे तो 5 बजने वाले थे। जैसे ही गांव की हदूद से बाहर कदम रखा अचानक मगरिब की तरफ से हवा चली जिसने आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली थी।
अपनी अपनी सीटों को मजबूती से थाम लो, कोई भी नीचे ना उतरेगा। ड्राइविंग सीट पे बैठे अदन ने चिल्ला के कहा। सिर्फ 10 सेकंड का तूफान था और मिंटू में थम गया। थैंक गॉड हम बच गए। लगता है ये भी उसी जिनजादी का वार था, फैसल बोला, मगर अगले पर इज्जत जी ही। ओ गॉड निशा, निशा कहाँ गई? वो दोनों मुड़ के पीछे देखने लगे। अभी तो यही थी, मेरे साथ थी, कहाँ गई? इज्जत रो पड़ी। वो दोनों जीप से निकले, आगे पीछे देखा, हर जगह देखा, मगर निशा को मिलना ना था और ना वो मिली। आवाजें दे दे के गले बैठ गए, मगर निशा कहीं होती तो मिलती। मगरिब से इशा हो गई, मगर निशा ना मिली। थक हार के वो लोग एक छोटे से गार में बैठे। ये निशा की आवाज है ना, तुम लोगों ने सुनी उसकी आवाज? उन्हें बैठे हुए अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब इज्जत बोली तो वो दोनों चौंक के उसे तकने लगे। हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, फैसल बोला। मैंने सुना फैसल, वो मुझे आवाजें दे रही है, मेरा नाम पुकार रही है, उसने शायद रोते हुए मुझे पुकारा। इज्जत बैठे से उठ खड़ी हुई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इज्जत, हमने कुछ सुना नहीं, चुप करके बैठी रहो, आगे ही बहुत परेशानियां है, अदन गरा के बोला। इज्जत का हाथ पकड़ के नीचे बिठा लिया। मेरा यकीन करो अदन, मुझे अभी भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है, वो रो रही है, मुझे बुला रही है। वो सिसक उठी। अदन होंठ बींच के उसे देखने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं इज्जत, तुम्हें वहम हुआ है। अदन प्लीज मेरी एक बार, मुझे बाहर जाने दो, मेरा यकीन करो, वो मुझे बुला रही है, मेरा वहम नहीं, ये मेरा यकीन है, प्लीज मेरा यकीन करो, वो फूट फूट के रोगी। ओके ठीक है चलो, अदन उसका हाथ थाम के उठ खड़ा हुआ। अदन ये क्या कर रहा है तू यार, फैसल उसे रोकते हुए बोला। एक दफा देख लेने में क्या हर्ज है, ये पागल हो गई है और तू इसकी बातों में आ रहा है, खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा, वो गुस्से से बोला। तो यहीं बैठ यार फैसल, हम बस थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, अदन उसे तसल्ली देते हुए बोला। हाँ मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ो, मैं भी साथ चलूंगा, वो बोला। तो वो तीनों बाहर निकल आए। अदन ने अपने मोबाइल से टॉर्च रोशन की और आगे पीछे मारने लगा। अब कुछ सुनाई दे रहा है, थोड़ी देर के बाद वो इज्जत से बोला तो वो सर नफी में हिराने लगी। तो चलो फिर वापस चले, वो उसे कहते हुए वापस मुड़ के गार की तरफ चलने लगे। दोस्तों मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो, वो भी गार के करीब पहुंचे थे जो सामने वाली झाड़ी से निशा निकल के जोर से बोली। वो तीनों घबरा के पीछे मुड़ के तकने लगे, मगर अगले ही लम्हे वो अपने मुंह से निकलने वाली चीख को रोक ना सके। निशा ये तुम हो, क्या हो गया तुम्हें, कहाँ चली गई थी तुम? इज्जत इसे देखते ही सिसकते हुए बोली और तेजी से निशा की तरफ बढ़ी, मगर करीब खड़े अदन ने उसे बाजू से पकड़ लिया। ये निशा नहीं है इज्जत, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। क्या हुआ इज्जत, रुक क्यों गई, आओ ना, मुझे बड़ा दर्द है, मुझे सहारा दो प्लीज फैसल, अदन मेरी मदद करो, मुझसे चला नहीं जा रहा। वो लड़खड़ा के थोड़ा आगे आई। पेशानी और होंठों के नीचे से निकलता खून एक बाजू आधा कट के नीचे लटकता हुआ, वो निशा थी। इज्जत ने तड़प के आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अदन मजबूती से उसे थामे खड़ा था। हम कैसे यकीन करें कि तुम निशा हो, वो बोला। व्हाट, अदन मैं निशा हूँ, आई स्वेर, मेरा यकीन करो, मैं तकलीफ में हूँ, कैसे दोस्त हो तुम, वो रोते हुए बोली। अदन क्या पता ये वाकई निशा हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, खौफ से कांपता हुआ फैसल बोला। अगर ये निशा है तो फिर सबूत दे, यकीनन ये वही जिनजादी होगी, मुझे यकीन है हमें धोखा दे रही होगी। हाँ मैं निशा नहीं, मगर याद रखना अब तेरी बारी है, तेरे दोस्त तो मेरे धोखे में आए और अपनी जान से हाथ धो बैठे, अब पहले तुझे खत्म करूंगी, समझा? इस गांव से अब निकल के दिखा, सामने खड़ी रोती निशा की जगह अब उस बदसूरत जिनजादी ने ले ली थी जो अदन को गुस्से से देख रही थी। अगले ही पल वो वहां से गायब हो चुकी थी और वो सब अब धुप भरी कैफियत में खड़े ये सोच रहे थे कि पहले इबाद और अब निशा भी इस दुनिया में नहीं रही। अगले ही दिन गांव वालों को झाड़ियों से एक लड़की की लाश मिली और वो सब दोस्त ये देख के तंग रह गए कि वो निशा थी, उसका हाल इबाद जैसा ही था, फर्क इतना था कि निशा का एक बाजू साथ ना था। अगले दिन वो सुबह होते ही बाबा साईं के पास चले आए। बाबा साईं ने उन तीनों की ठीक ठाक लाश ली। क्या जरूरत थी गांव से बाहर जाने की, और जब मैंने मना किया था तवीज गले से उतारना नहीं तो फिर तुम लोगों ने क्यों उतारा? दो दोस्त तुम लोग गंवा चुके, बाकी जो तीन बचे हो ना वो भी जल्दी खत्म हो जाओगे। बाबा जी वाकई गुस्से में थे। आई एम सॉरी बाबा जी, मगर रात को सोते वक्त उतारते थे तवीज, कभी आदत नहीं पहन के सोने की, तो बेटा आदत बना लो, अब भी क्यों पहन रखा है, अभी उतार दो। बाबा जी मजीद जलाल में आए। अदन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बाबा जी से बोला, बाबा जी कुछ बताएं हमें क्या करना चाहिए, आज बुध है, कल जुमेरात का दिन है, कल तुम लोग सुबह सवेरे निकलना उस पहाड़ी की तरफ, वहाँ ढेर सारे गार की खार है, तुम लोगों को हर गार को चेक करना होगा, उन सब गारों में से एक गार ऐसा है जिसमें जोड़े की लाशें पड़ी होंगी,
तुम लोगों को किसी भी तरह आग जला के उन लाशों को आग में डालना होगा। लाशें आग पकड़ते ही वो जोड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, तुम लोग ये सारा काम इतना आसान नहीं। ये सब करते हुए वो जिन जाति तुम लोगों की राह में रुकावट जरूर पैदा करेगी। तुम लोगों ने डरना बिल्कुल भी नहीं, जो डर गया वो मर गया, ये बात अपने बल्लू से बांध लेना, बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। तो वो सब सर खिलाने लगी। अगली सुबह वो लोग 10 बजे ही वहाँ से निकल आए। जीप में 1 गैलन केरोसिन रखा, तीनों ने अपने पास अलग अलग माचिस भी रखी। बकुल बाबा के उस जिनजादी ने रस्ते में बहुत सी रुकावटें डाली थी। ठीक ठाक चलती गाड़ी रुक जाती, चलाने पे ऐसे महसूस होता जैसे बहुत ज्यादा वजन डाल दिया गया हो। कभी टायर पंक्चर हो जाता, वो ठीक करते तो आगे जाके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता। मगर उन लोगों ने हार ना मानी। 12:30 बजे वो सब उसी पहाड़ी पे पहुंचे, गार की तलाश जारी कर दी। बहुत से गारों की तलाशी लेने के बाद वो एक तंग से गार में अभी दाखिल ही हुए थे जब किसी ने पीछे से गार का दहाना बड़े से पत्थर से ढक के बंद किया। वो तीनों घबरा के पलटे, पूरा गार अंधेरे में डूब गया। इज्जत फैसल अपने हाथ 2 अदन बोला और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली। गार में हल्की सी रोशनी हो गई। वो तीनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते गए, मगर वहाँ कुछ ना था। सारा गार मकड़ी के जालों से अटका पड़ा था। अब क्या करें बाबा जी, असर की अजानों से पहले उन लाशों को ढूंढना होगा, इज्जत बोली। हाँ, मगर हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, फैसल बोला। चलो मिलके पत्थर को सरकाते हैं, शायद कोई वसीला बन ही जाए। इज्जत तुम टॉर्च पकड़ के रखो, अदन पहले फैसल से बोला, फिर मुल्के इज्जत को मोबाइल थमाया। दोनों मिलके जोर लगाने लगे। 1.5 घंटे के बाद वो दोनों मुसलसल जोर आजमाई करते रहे। पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा सिरका, वो थक हार के बैठ गए। अब क्या होगा, इज्जत परेशान हुई। थोड़ा सांस तो ले लें, फिर ट्राई करते हैं, अंदर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ बोला। 2:30 बज गए यार, 1 घंटा रह गया है। असर की अजान में फैसल टाइम देखते हुए बोला, चलो फिर ट्राई करते हैं, अदन लंबी सांस खींचते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले 1.25 घंटे में पत्थर इतना सड़का कि उनमें से एक बंदा ही बमुश्किल निकल पाता। एक एक करके वो तीनों बाहर निकले तो हर तरफ गहरा सन्नाटा था। वो तीनों आगे बढ़ चुके गारों की तलाशी लेने लगे, तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगी। उन तीनों ने मजबूती से एक दूसरे के हाथ थामे, आंधी जोर की आई, आसपास का सारा कचरा इकट्ठा हो गए, किसी इंसान की शक्ल इख्तियार करने लगा। जब आंधी छटी तो उन्होंने देखा सामने चुड़ैल खड़ी थी, जोर जोर से कहकहे लगा रही थी। तभी उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली, पहाड़ के ऊपर पड़े बड़े से पत्थर पे जा गिरी। पत्थर के नीचे वो तीनों खड़े, पत्थर लुखड़ाता हुआ तेजी से नीचे की तरफ आया। अदन ने फैसल और इज्जत को धक्का देके खुद भी दूसरी तरफ छलांग लगा दी। पत्थर उन तीनों पे गिरने के बजाय गार के बंद दहाने पे पड़े बड़े से पत्थर पे जा गिरा। गार के दहाने पे पड़ा पत्थर हटा और गार का दहाना खुल गया। सामने ही 2 लाशें पड़ी थी, बल्कि अजीबोगरीब 2 डांचे जिन्हें देखते ही बदन में कपकपी तारी हो जाती। अदन, लाशें मिल गई तो एक काम कर, इस जिनजादी को संभाल, मैं गाड़ी से केरोसिन निकाल के लाता हूँ। फैसल चिल्ला के भागा, गाड़ी से केरोसिन निकालने लगा। इज्जत आसपास से झाड़ियां इकट्ठी करने लगी। वो जिनजाती उठती हुई उस गार के दहाने पे जा खड़ी हुई और कुछ पढ़ के जमीन की तरफ फूंका तो बड़े बड़े सांप और बिच्छू रिंगते हुए आने लगे। वो तीनों डर के पीछे हटे, अपने अपने तावीज गले से उतार के हाथों में थामे। जैसे ही कोई सांप या बिच्छू सामने आता, तावीज के साथ टच होते ही उन्हें आग लग जाती। जिन साथी अपना वार खाली दे के गराई, फिजा में हाथ बुलंद किया। हाथ बुलंद करते ही उसके हाथ में एक लंबा सा नुकीला सुरैया नमा लोहा आया, पूरी ताकत से साथ सामने खड़े अदन की तरफ फेंका। फैसल ने देखा अदन अपने ध्यान में करीब आते बिच्छू को खुद से छुड़वा रहा था। वो तेजी से आगे आया, अदन को धक्का देके पीछे की तरफ हटाया। लोहा अदन के बजाय उसके सीने को चीरता हुआ दूसरी जानिब निकल गया। फैसल, अदन और इज्जत मिलके चीहे। अदन एक ही जम में फैसल के पास था। गिरते हुए फैसल का सर अपने शाने से लगाया। फैसल, तुझे कुछ नहीं होगा, देख हिम्मत मत हार, मैं हूं ना, सब ठीक करूंगा। चल हिम्मत कर, गाड़ी में बैठ, इस जिनजादी को फिर देख लेंगे। अदन मुझे छोड़, इज्जत को संभाल, फैसल ने पीछे की तरफ इशारा किया। अदन पीछे की तरफ मुड़के देखने लगा। वो जिनजादी अब इज्जत को घसीटते हुए झाड़ियों में ले जा रही थी और इज्जत जोर जोर से चिल्ला के उसे मदद के लिए बुला रही थी। जा अदन, प्लीज इज्जत को बचा, मैं तेरी तरह बहादुर नहीं, फैसल अपनी परवाह किए बगैर बोला। अदन उसका सर जमीन पे रख के तेजी से उठा और करीब पड़ी फैसल की लाई हुई केरोसिन लेके गार की तरफ भागा। गार में पड़े ढांचों पे ढक्कन खोल के अच्छी तरह डाल के जेब से माचिस निकाली। तीली निकाल के जैसे ही आग लगाने लगा, तभी गार के दहाने पे उस जिनजादी का चेहरा नमूदार हुआ। अदन ने हाथ में पकड़े तावीज को सामने करके उस जिनजादी को गार में दाखिल होने से रोका और दूसरे हाथ से आग लगा के ढांचों में फेंक दी।
पूरी गार चीहों से गूंज उठी, जैसे बहुत सी चुड़ैलें मिलकर बैन कर रही हूँ। डांची जल के राख हुए, एक बार फिर आंधी तूफान आई और सारी राख उड़ा के ले गई। अब वहाँ कुछ न था, ना ही जिन जादी और ना ही उसका अलवजन। अदन को इज्जत का ख्याल आया तो वो झाड़ियों की तरफ भागा। करीब ही जारी में बेहोश इज्जत मिली। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो होश में आई। अदन, फैसल कहाँ है? वो खौफजदा हुई। हाँ वो ठीक है, वो बोला। उसे लिए जब फैसल के पास आया तो फैसल अपनी जिंदगी की सांसें पूरी कर चुका था। आज उन्हें पिछड़े हुए इन तीनों दोस्तों की 8 बरसी थी। इज्जत से शादी हुए 6 माह हो चुके थे। वो और इज्जत मिलके हर साल उनकी बरसी एक ही दिन मनाते थे। हालांकि इन तीनों की डेथ 1-2 दिन के गैप से हुई। वो दूर बहुत मुश्किल दूर था। एक एडवेंचर के तौर पे वो इस गांव गए, मगर कोई नहीं जानता था कि जब वो जाएंगे तो 5 और जब वापस आएंगे तो 2 रह जाएंगे। आज भी वो दिन वो मंजर याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत सी यादें सीना चीरती हुई अंदर आ पहुंचती हैं। और फिर वो दोनों कई की माँ खुद को संभाल नहीं पाते।